मैं अभिषेक बिहारी न्यूज से और आज हम आपको बताने वाले हैं गगनयान मिशन के बारे में जिससे स्वदेशी शटल में पहली बार भारत के मूल निवासी अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। चंद्रयान 2 मिशन जिससे किसी भी देश ने पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना परचम लहराया, इसका गौरव भारत को प्राप्त हुआ है। इसरो के मिशन को पूरे विश्व ने सराहा है जिसे तेजी एवं किफायती ढंग से ये कार्य संपन्न किया गया। कई देश के अंतरिक्ष संस्थान भारत की ओर देखते हैं। 980 करोड़ की लागत में किए गए इस मिशन से नए विकल्प विश्व को मिलने का अनुमान है। वहीं इसरो पूरी तरह से विक्रम लैंडर को ढूंढने में लगा है, तो दूसरी तरफ चर्चा है मिशन गगनयान की जो 3 भारतीयों की अंतरिक्ष में भेजेगा। आपको बता दें, इस मिशन से पहली बार किसी भारतीय को इसरो द्वारा निर्मित स्पेस शटल से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा, जो कि रूस के सोयू T-11 में बैठकर यात्रा पर गए थे, जिस यात्रा के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब उनसे यात्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वहीं से एक ख्वाब भारत के साथ सांस लेने लगा, एक भारतीय को स्वदेशी शटल में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजने का। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि भारत इस मिशन के लिए तैयार है। ये मिशन 7 दिन का होगा जिसकी लागत पहले 12,000 करोड़ आनी थी। एक इंटरव्यू में इसरो के चेयरमैन KSIVAN ने यह साफ किया कि अब स्वदेशी तकनीक के कारण ये लागत 10,000 करोड़ से भी कम होगी। अंतरिक्ष यात्रियों को चुने जाने की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है। ये कार्य भारतीय वायुसेना द्वारा प्रोसेस इंस्टीट्यूट ऑफ एयरस्पेस मेडिसिन में पूर्ण किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के बाद यात्रियों को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में दिक्कतों एवं अंतरिक्ष में रहने के तौर तरीकों से अवगत कराया जाएगा। 15 साल के जिस मिशन की प्लानिंग चल रही थी उसका निष्कर्ष 2022 तक संभव है। इस मिशन की तैयारी 2005 में ही शुरू कर दी गई थी, परंतु पर्याप्त भार उठाने वाले शटल की तकनीक ना होने के कारण भारत को 2014 तक इंतजार करना पड़ा। जब ये परीक्षण सफल हो गया तो अगली दिक्कत थी कि इस यान को वापस कैसे लाया जाए। अभी तक के दोनों बड़े मिशन चंद्रयान एवं मंगलयान में शटल को वापस लाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर मानव मिशन को पूर्ण करने के लिए ये तकनीक जरूरी है क्योंकि वापस वातावरण में प्रवेश के बाद बहुत अधिक प्रेशर एवं तापमान का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त वेलोसिटी एवं एंगल का भी ख्याल रखना होता है। 2014 में ये परीक्षण भी सफल रहा था। इसके बाद की दिक्कत जैसे यात्रियों के खाने पीने का ख्याल रखना, प्रेशर रेगुलेशन, तापमान नियंत्रण, तकनीकों का ख्याल रखना भी जरूरी है, जिसकी ओर इसरो अग्रसर है। कुछ दिन पहले एक अंतरिक्ष यात्री ने भारत के चंद्रयान मिशन पर ये बात बोली थी कि ये मिशन एशिया के गर्व की बात है, क्योंकि अंतरिक्ष एक जगह है जहां हम अपने आपसी मतभेद भूल जाते हैं। हम उसके सामने बहुत छोटे प्रतीत होते हैं और छोटी छोटी खुशियां मिलकर बांटते हैं। तो भारत एक ऐसे ही मिशन के लिए अग्रसर है, भारत का गगनयान, जो जिंदगी को नया रास्ता दिखाने के लिए जल्द ही अंतरिक्ष में जाएगा। हम इसरो को इस मिशन के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक भारतीय होने के नाते ये गौरवान्वित करने वाला मौका हमें फिर से मिलेगा। जय हिंद। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।